need your help. To make sure that no more girls get killed. Things that look like you and me. Smiles, beating hearts. These things are only masks. Hiding the creature beneath. You gotta be fucking kidding me. Welcome everyone, my name is Neeraj and you're watching Nee Review Point. तो आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप 10 नेटफ्लिक्स के अंडररेटेड वेब शोज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और आप इन शोज को बाहर से कहीं डाउनलोड करके देख सकते हो। हम क्या करते हैं, उन शोज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी हमें एड और प्रमोशन ज्यादा देखने के लिए मिलती है, या फिर उन शोज को जिनके बारे में हम अपने फ्रेंड्स से सुनते हैं कि ये शो कितना अच्छा है, ये शो कितना अच्छा है। शायद वो शो एक्चुअल में अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी इतने अच्छे अच्छे शो रिलीज होते हैं जिनकी स्टोरी लाइन बहुत ग्रेट होती है, उनमें अच्छी अच्छी बहुत चीज़ें हमें देखने के लिए हमें मिलती हैं, लेकिन उन शोज़ को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स के कुछ ऐसे टॉप 10 अंडररेटेड शोज़ के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप इन शोज़ को जाके देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर सीरियसली बहुत कम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। Primo è il più grande dei poteri è la conoscenza di sé. करते हैं नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल शो द मिस्ट के साथ। द मिस्ट शो को 2017 में रिलीज किया गया था जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे स्मॉल टाउन के ऊपर जहां पर बहुत गहरी धुंध पड़नी शुरू हो जाती है, मिस्ट पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद वहां पर क्या मिस्टीरियस थिंग्स होती हैं उस धुंध में, जे आपको देखने के लिए मिलेगा, और क्या क्या उन्हें थ्रेट देखने के लिए मिलते हैं, जे आपको देखने के लिए मिलेगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहां के लोग मिलकर फाइट करना शुरू कर देते हैं और अपनी उस जगह को बचाने की कोशिश करते हैं, स्मॉल टाउन को, जे आपको टर्न ऑफ ट्विस्ट शो में देखने के लिए मिलेंगे। शो की स्टोरी लाइन ठीक ठाक सी है, वन टाइम वॉच जो शो है मिस्ट, आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो। इसमें जो शो आता है, मेरे हिसाब से उस शो को उतनी अटेंशन नहीं मिली जितना वो शो डिजर्व करता था। अगर मैं शो की बात करूँ, शो का नाम है इमोर्टल्स। इमोर्टल शो को 2018 में रिलीज किया गया था जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं कहानी की बात करूँ, कहानी का प्लॉट फॉलो करता है सीधा इस्तांबुल में, जहां पर आपको एक वैम्पायर दिखाई जाएगी मिया। मिया उस वैम्पायर को मारना चाहती है जिसने उसे वैम्पायर में टर्न किया होता है, ताकि वह दोबारा अपनी रियल लाइफ में वापस आ सके, ह्यूमन बन सके। लेकिन वहां तक उसे पहुंचने के लिए उसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इतना कॉन्फिडेंस गेन करना होगा, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो की सीरियसली स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मुझे नहीं पता इस शो को इतनी ज्यादा कम अटेंशन क्यों मिली, लेकिन आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो इमोर्टल्स को। हमारी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है कैरन। कैरन शो को 2020 में रिलीज किया गया था और जो एक हॉरर साइंस फिक्शन शो रहेगा। अगर मैं शो के प्लॉट की बात करूं, तो शो का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी लेडी के ऊपर जो कि 17 साल के बाद घर वापस आती है अपने टीनेज ट्विंस के साथ, और वो फिर से अचानक गायब हो जाती है, और उसके चिल्ड्रंस जो ट्विंस है उनको एक शैडो फैमिली की लेगेसी को अपनाना पड़ता है, जिसके बाद आगे क्या होता है ये सब आप एक बार जरूर देखना चाहोगे। अगर मैं शो की बात करूँ, शो आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा और आपको इसका एक सीजन देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो। जो आता है उस शो का नाम है ब्लैक समर। ब्लैक समर अगर शो की बात करें तो इस शो को 2019 में रिलीज किया गया था और ये एक्शन फिक्शन शो रहेगा जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे डार्क डेज के ऊपर जहां पर धरती पर अपोकलिप्स हो चुका है, सिर्फ ज़ॉम्बीज देखने के लिए मिलते हैं। वहां पर कुछ ही स्ट्रेंजर्स बनते हैं जो कि अपनी बैंड को टुगेदर करते हैं और वहां पर लड़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं। किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं जे आपको शो में देखने पड़ेगा, लेकिन वो ज़ॉम्बीज को वापस किस तरह से अपने लव्ड वंस में चेंज करते हैं जे भी आपको शो में देखने के लिए मिलेगा, और आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो ब्लैक समर को। हमारी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है जेड नेशन। जेड नेशन शो की बात करते हैं, इस शो को 2014 में रिलीज किया गया था जिसके आपको टोटल 4 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। जे भी शो ज़ॉम्बीज के बारे में ही है, जहां पर धरती पे अपोकलिप्स हो चुका है, ज़ॉम्बीज पूरी तरह से वायरस से इफेक्ट हो चुके हैं और दुनिया पूरी तरह से मर रही है, जिनमें से कुछ ही ह्यूमंस बचे हैं जो कि इकट्ठे होकर उन ज़ॉम्बीज को मारना चाहते हैं। जे शो आपको वैसा ही टच देगा जैसा आपको ब्लैक समर में देखने के लिए मिलेगा। तो इस शो में ज्यादा कुछ बताना तो नहीं बनता, लेकिन आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो जेड नेशन को।
नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है लोना नेहरा। लोना नेहरा को 2020 में रिलीज किया गया था और जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा शो रहेगा जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी का प्लॉट फॉलो करता है सीधा 17th सेंचुरी में इटली की। यहाँ पर एक टीनेज मिडवाइफ है जिसको अक्यूज किया जाता है कि उसने कुछ विचक्राफ्ट मतलब ऐसा कुछ जादू टोना किया है जिसके बाद उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। वो किस तरह से अपनी डेस्टिनी को बदलने की कोशिश करती है जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो में आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा और सिर्फ 6 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे एक ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ, और आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो लोना नेहरा को। Primo il più grande dei poteri è la conoscenza di sé. तुम्हारी लिस्ट में जो शो आता है वो मेरा खुद का फेवरेट लिस्ट का शो है और शो का नाम है बिटन। अगर हम बिटन की बात करते हैं, बिटन को 2014 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था और कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी लेडी के ऊपर जिसका नाम है एलेना माइकल्स। एलेना माइकल्स सिर्फ ओनली अकेली फीमेल वेयरवुल्फ बची है जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। वो अपना सारा कुछ छोड़ के दोनों दुनिया को छोड़कर एक टोरंटो में जाके एक ह्यूमन बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है, कामकार करने लगती है फोटोग्राफर का। लेकिन तभी लाइफ में उसके टर्न और ट्विस्ट आने शुरू होते हैं जब उसे अपने यार्ड में कुछ ऐसी ही थिंग्स देखने के लिए मिलती हैं जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो में सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी ग्रेट स्टोरी लाइन जैसे ही ये शो पकड़ता है आपको सेकंड एपिसोड के बाद ही पता लग जाएगा, तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो जिसके आपको टोटल 3 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। हमारी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है हेमलॉक ग्रोव। हेमलॉक ग्रोव को 2013 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था जो एक हॉरर शो रहेगा जिसके आपको 3 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। अगर कहानी की प्लॉट की बात करें तो कहानी का प्लॉट फॉलो करता है कुछ ऐसे अजीबोगरीब लोगों के ऊपर, हथियारों के ऊपर, जो कि एक टाउन में रहते हैं। यहाँ पर एक पेंसिल्वेनिया नाम के टाउन में रहते हैं जहाँ पर आपको एक शहर देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं, लेकिन उन सभी के पास अपना अपना रहस्य है उस टाउन का। लेकिन जब भी वहाँ पर कोई घटना घटती है तो वो अपने रहस्य को बिल्कुल भी नहीं बताते, सब यही एक तरह से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इस शो को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा लगा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड सा शो है, लेकिन जिस तरह से ये स्टोरी लाइन आपको स्क्रीन पे डिलीवर करके देगा, आप इस शो के सेकंड और थर्ड एपिसोड के बाद ही इस सीजन से जुड़ जाओगे। तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो हेमलॉक ग्रोव को। Hiding the creature beneath. You gotta be fucking kidding me. हमारे लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है ग्लिच। ग्लिच शो को 2015 में रिलीज करना स्टार्ट किया गया था जिसके आपको टोटल 3 सीजन देखने के लिए मिलेंगे और जो एक ड्रामा मिस्ट्री और थ्रिल से भरा हुआ शो रहेगा। अगर हम शो के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे कंट्री टाउन के ऊपर जिसका नाम है योराना। यहाँ पर आपको मेन लीड में विक्टोरिया नाम की लेडी देखने के लिए मिलेंगी जो कि पूरी तरह से डेड हो चुकी है, लेकिन वो वापस आती है और 7 आदमियों के साथ, मतलब 7 पीपल्स के साथ, बहुत परफेक्ट हेल्थ के साथ, लेकिन उनके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती। लेकिन उसी टाउन में वापस आती है जहाँ पर उसकी डेथ होती है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं जानता होता। लेकिन उसके बाद शो में क्या होना स्टार्ट होता है ये आपको खुद देखना होगा। इस शो की अगर बात करते हो, इस शो की मतलब स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है, ग्रेट है कि आपको फर्स्ट एपिसोड से ही पता लगना स्टार्ट हो जाएगा शो आगे कितना अच्छा होने वाला है। तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो बीच के जिसके आपको टोटल 3 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। आईडी नंबर 1 पर जो शो आता है उस शो का नाम है ब्लैक। ब्लैक शो की बात करते हो, ब्लैक शो को रिलीज किया गया था 2017 में और ये एक रोमांटिक सीरीज है। लेकिन रोमांटिक सीरीज होने के साथ साथ इसमें आपको फैंसी वर्ल्ड का भी थोड़ा टच देखने के लिए मिलेगा और आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है कि ऐसे आदमी के ऊपर जो कि हेवन के रूल प्ले करके धरती पर जाता है और किसी हो नेक्स्ट ह्यूमन की बॉडी में निवास करता है। उसके बाद उसे एक लेडी से प्यार हो जाता है और उसके बाद शो में क्या होता है जो आपको देखना होगा। शो बहुत ही ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ बना हुआ है और आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो ब्लैक को। ओके, तो ये थी मेरी ओर से आप सबके लिए टॉप 10 बेस्ट नेटफ्लिक्स की अंडररेटेड वेब सीरीज। इन शोज की सबसे अच्छी बात क्या है कि इन शोज में आपको ग्रेट स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलेगी और एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया देखने के लिए मिलेगी जहां से आप वापस भी नहीं आना चाहोगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि शोज देखने में तभी मजा आता है जब उनकी स्टोरी लाइन बहुत ग्रेट होती है, तभी हम उस शो में बन पाते हैं। अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो हमारे शोज की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर सीरियसली बहुत कम है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।